अमिताभ बच्चन सदी के महान नायक, लेकिन हो सकता है 2-1 सालों में हम उनकी नई मूवी देखने के लिए तरस जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। क्योंकि वो रिटायर होने की सोच रहे हैं, इन दोनों वो हिमाचल में हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली आए हुए हैं। वहां उन्होंने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट लिखी छोटी सी। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है और उंगलियां कुछ और। ये एक मैसेज है, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे किए थे, जिसको सेलिब्रेट करते हुए उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक क्लासिक फ़ोटो डालते हुए लिखा था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्टर और एक फ़ैन के तौर पर भी उनकी महानता का गवाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे करने पर आपको बधाई। अब हमें अगले 50 सालों तक का इंतज़ार है। अब आइए आपको बताते हैं कि बच्चन साहब के आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। आने वाले दिनों में कोई नया प्रोजेक्ट साइन करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके हाथ में जो अभी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो लंबी है, जिन्हें पूरा करते ही वो चैन से बैठेंगे, ये उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन 50 साल के करियर में उनका प्रोफेशनल बिहेवियर चीख चीख कर ये कहता है कि उन्होंने जो काम पहले ही हाथ में ले लिया है उसे वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो पहला नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की शूटिंग वो कर रहे हैं, एक सुपर हीरो फिल्म है ये। इसमें रणबीर कपूर लीड रोल में हैं, उनके साथ अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट भी हैं। टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और हुसैन दलाल जैसे किरदार भी आपको देखने को मिलेंगे। हुसैन इसमें रणबीर के दोस्त बने हैं। एक्टर नागा अर्जुन भी एक विशेष रोल में नजर आएंगे। डिम्पल कपाड़िया भी इसमें दिख सकती हैं, वो नागा अर्जुन की मतलब शायद वो दोनों पति पत्नी के रोल में दिखेंगे। शाहरुख खान भी इस फिल्म में एक कैमियो रोल करने वाले हैं। दूसरी फिल्म, अक्टूबर के बाद सुजीत सरकार की अगली फिल्म आ रही है गुलाबों सिताबों नाम की। गुलाबों सिताबों में पहली बार अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना साथ में काम करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि दोनों एक्टर्स अलग अलग सुजीत सरकार के साथ काम कर चुके हैं। इसमें अमिताभ बच्चन खालिस लखनवी मुस्लिम बुजुर्ग बने हैं, साथ ही बच्चन उस मकान के मालिक भी हैं जिसमें आयुष्मान का किरदार रहता है। तीसरी फिल्म झुंड, एक स्पोर्ट्स मूवी है, सोशल ड्रामा। ये झुग्गी के कुछ बच्चों से शुरू होती है। मूवी में अमिताभ बच्चन का जो किरदार है वो बहुत सारे झुग्गी के बच्चों से मिलता है और उनकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। वो किरदार इन बच्चों के हाथ में फुटबॉल थमाकर उनकी बुरी आदतों, निराशा, दिशाहीनता को दूर कर देता है। ये कहानी एक असल रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर विजय बारसे की ज़िंदगी पर आधारित है। नागराज मंजुले इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। इससे पहले उनकी मराठी फिल्मों यानी सैराट और फ्रैंडी को आलोचकों ने बहुत अधिक सराहा है। जनवरी 2017 में वो इस स्क्रिप्ट को लेकर अमिताभ बच्चन के पास गए थे उनसे मिलने। बच्चन ने तब हाँ कह दी थी। चौथी फिल्म, उनकी एक और मूवी की चर्चा है, नाम है चेहरे। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के अलावा चेहरे में अन्नू कपूर भी मुख्य भूमिका में आपको दिखने वाले हैं। साथ ही रघुवीर यादव, रिया चक्रवर्ती, धृतमान चक्रवर्ती और सिद्धांत कपूर जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। चेहरे एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक दोस्तों के ग्रुप की है, इनमें से कुछ रिटायर्ड वकील हैं। ये सभी शिमला के एक बंगले में मिलते हैं और वहाँ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। तो अमिताभ बच्चन एक रिटायर्ड वकील हैं, वहीं इमरान हाशमी एक बिजनेस टाइकून का रोल निभाते नजर आने वाले हैं। अगली फिल्म, 2002 में अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी मल्टी स्टारर आँखें। इसमें उनके अलावा अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी थे। बहुत हिट रही थी ये फिल्म। विपुल अमृतलाल शाह ने डायरेक्ट की थी। उनकी आने वाली एक और मूवी आँखें 2 उसी का सीक्वल बताई जा रही है। हालांकि आंखें 2 के आने की खबर बहुत पहले से है, 2006 से, लेकिन फिर होते होते 13 साल बीत गए। अब जाकर इस साल फिर से इसके बनने की बात सुर्खियों में आई है, जब अनीस बज़मी ने बताया कि आंखें 2 की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। लेकिन इस बार डायरेक्टर विपुल ना होकर अनीस खुद होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनीस ने आंखें की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन 2002 वाली नहीं, 1993 वाली, डेविड धवन और गोविंदा वाली। अभी हाल ही में अनीस ने पागलपंती डायरेक्ट की है। अगली फिल्म, अमिताभ बच्चन एक और ऐसी मूवी में काम करने वाले हैं जो एक साथ दो भाषाओं में बन रही है, तमिल और हिंदी में, तेरा यार हूं मैं। फिल्म को तमिल वानन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ राम्या कृष्णन भी होंगी। वो इससे पहले उनके साथ हिंदी की सुपर हिट कॉमेडी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी काम कर चुकी हैं। अमिताभ बच्चन के 50 साल के करियर में उनकी ये पहली तमिल
मूवी होगी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के आने वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में बटरफ्लाई, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है, ए बी आणी सी डी, ये मराठी फिल्म है, जो शामिल है। साथ ही ये भी लग रहा है कि अपने आखिरी हफ्ते में चल रहा कौन बनेगा करोड़पति का जो 11वां सीजन है, इसका लास्ट सीजन ये होगा, या फिर अमिताभ बच्चन के बदले इसे अब कोई और होस्ट करेगा। हालांकि इस बारे में अभी कुछ भी पुख्ते तौर पर कहा नहीं जा सकता है। बाकी बच्चन जब ऑफिशियली अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे तो दुनिया जान ही जाएगी, पर उससे पहले हमने आपको बता दिया है कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, किसके लिए आप एक्साइटेड हैं, आपको कौन सा सुनकर एकदम मज़ा आ गया है, ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और ऐसी और वीडियोस के लिए सिनेमा जगत की देखते रहिए दी ललन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।